हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड सम कन्वर्जन रिलेटेड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो देखते हैं कन्वर्जन्स, जिसे फॉर्मल्डिहाइड इनटू एसिटल्डिहाइड, अगर कन्वर्ट करना हो फॉर्मल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड में तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इसमें। तो फर्स्ट कन्वर्जन है आपकी फॉर्मल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड में हम कन्वर्ट करेंगे तो ग्रिगनार्ड रिजेंट के साथ जो है आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है। इसमें आपने CH3MgBr, ये ग्रिगनार्ड रिजेंट हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट आपके पास क्या बन जाएगा, CH3CH2OMgBr। देन आपने क्या करना है यहाँ पे, ये एडिशन, तो क्या यहाँ पे एन निकल जाएगा आपके पास, MgOHBr जो है एलिमिनेट हो जाएगा और क्या रह जाएगा आपके पास, CH3CH2OH। फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन आप कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे, एसिटल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इनटू एसिटल्डिहाइड हम इसको कन्वर्ट करेंगे CHO, ठीक है। CH3 ये आ गया, CHO जो है ये ऑक्सीजन जो है हमारे पास, ये H2O मॉलिक्यूल मतलब यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा आपका और आपके पास CH3CHO, ये ऑक्सीजन हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और आपके पास एसिटल्डिहाइड जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरह से ये कन्वर्जन होगी। नेक्स्ट है आपके पास एसिटल्डिहाइड इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो वो भी सेम ही होगी। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, CH3CHO, ये है CH3CHO एसिटल्डिहाइड। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। ये था हमारे पास एसिटल्डिहाइड तक फॉर्म करना, तो सेम ही स्टेप हम फॉलो करेंगे, CH3MgBr ग्रिगनार्ड रिजेंट ऐड करेंगे, क्या आ गया आपके पास, CH3CHO MgBr CH3, देन H3O पॉजिटिव यहाँ पे एलिमिनेट क्या हो जाएगा, MgOHBr, ठीक है, यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा और ऑक्सीडेट फर्दर फिर आपके पास क्या आएगा, CH3CHO HCH3, ये क्या बन गया, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स बीच में सेंटर में अटैच है तो ये आइसो वर्ड यूज़ करेंगे, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। ये क्या बन गया आपके पास, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो इस तरह से एसिटल्डिहाइड टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में भी हमने ग्रिगनार्ड रिजेंट और ये एडिशन करनी है इनकी, और यहाँ पे एल्डिहाइड जो है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड से आपने एसिटल्डिहाइड बनाने तो भी आप सेम स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो दोनों कन्वर्जन इसी से हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास बेंजीन टू एसिटोफिनोन, बेंजीन टू एसिटोफिनोन, तो बेंजीन है आपके पास ये, इससे एसिटोफिनोन बनाना है। तो याद होगा आपको बेंजीन से एसिटोफिनोन हमने कैसे बनाए थे, 11th में भी रिएक्शन की हुई है, असाइल क्लोराइड CH3COCl जो है ये आप ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपके पास जो है यहाँ पे क्या आ जाता है, CO CH3। जब ये ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच हो जाए बेंजीन के साथ तो इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, ठीक है। तो ये आपके पास HCl, यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। तो HCl वहाँ से और CH3CHO ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा और वहाँ से हाइड्रोजन जो HCl के साथ एलिमिनेट हो जाएगी यहाँ से। तो ये है बेंजीन टू बेंजोफिनोन। नेक्स्ट कन्वर्जन है फॉर्मल्डिहाइड इनटू मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड इनटू मिथाइल अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड में एल्कोहल अब हमें चाहिए, ये है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, HCHO। फॉर्मल्डिहाइड से एल्कोहल बनाएंगे, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, फॉर्मल्डिहाइड इनटू मिथाइल अल्कोहल CH3OH, ये है मिथाइल अल्कोहल। ये क्या है आपके पास, फॉर्मल्डिहाइड,
ठीक है, मिथाइल एल्कोहल बनाना है, एक कार्बन है तो मिथ हो गया आपके पास, ठीक है, ओएच ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्कोहल हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल जो है आपने रिडक्शन करनी है, ये रिडक्शन हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो ये बन गया आपके पास मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है आपके पास इथेनॉल टू प्रोपेन टू ओल, इथेन टू प्रोपेन टू ओल, इथेन टू प्रोपेन टू ओल, इथेन टू प्रोपेन टू ओल जो है कैसे कन्वर्ट करेंगे, इथेन नहीं सॉरी इथेनॉल टू, इथेनॉल करिए, इथेनॉल करते हैं, इथेनॉल टू प्रोपेन टू ओल, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हुआ आपके पास CH3CH2OH, ठीक है, प्रोपेन टू ओल तक हमें लेके जाना है, तो सबसे पहले हमें इसको एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कॉपर में से पास करेंगे इसको, CH3CHO फर्स्ट आपके पास आ जाएगा इथेनल, ये क्या है इथेनोल, ठीक है, तो इथेनल आएगा, देन ग्रिगनार्ड रिजेंट के साथ इसको रिएक्ट करवाइए CH3MgBr, सेम जैसे ऊपर की रिएक्शन हमने करी थी तो वैसे ही होगा यहाँ पे भी, पिछले चैप्टर्स में भी हमने ये रिएक्शन इस तरह से ग्रिगनार्ड रिजेंट के साथ हमने की थी, तो ये है आपके पास यहाँ पे CH3H एज इट इज़ वही उठा के हमने यहाँ पे बस ऐड करना है ग्रिगनार्ड रिजेंट, ये आ गया, देन वाटर सेम जैसे H3O पॉजिटिव से इकट्ठा लिख दो चाहे ब्रेक डाउन करके इस तरह से वाटर हाइड्रोलिसिस जैसे करते हैं, ठीक है, एसिडिफाई जैसे करना है तो इस तरह से करके इसको, देन नेक्स्ट जो है आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे CH3OH CH3H, ठीक है, तो ये इस तरह से कन्वर्जन होगी इसकी इथेनोल टू प्रोपेन टू ओल। प्रोपेन टू ओल, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रैम है इनमें, तो बाकी रीजनिंग क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने हैं अच्छे से, और ये जो कन्वर्जन है यहाँ पे फॉर्मूले क्या हैं, किसमें क्या चीज़ चलेगी, उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो ये चीज़ आपको याद ही करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये थी कुछ एक कन्वर्जन, अब हम कर लेते हैं इसी के साथ कुछ एक इंपॉर्टेंट जो है वो रिएक्शंस, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद फॉर्मल्डिहाइड, अगर अमोनिया जो है फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट किया जाए तो क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद फॉर्मल्डिहाइड, तो क्या लिखना है, रिएक्शन लिखना है कि क्या होता है, कहता है जब अमोनिया को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं, ये है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और ये अमोनिया है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं यूट्रोपाइन, यूरोट्रोपाइन बोलते हैं यूरोट्रोपाइन, उसका फॉर्मूला है CH2 6N4, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पे सिक्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, इनके सिक्स यहाँ पे तो ये एलिमिनेट हो जाते हैं, इसका नाम है यूरोट्रोपाइन, और हेक्सा आईयूपीएसी नेम क्या है, हेक्सा मिथाइलीन N4 टेट्रा अमाइन, ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है और ये जनरल में यूट्रो यूरोट्रोपाइन ये इसका नाम है, तो ये रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है बट राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रेपरेशन ऑफ यूरोट्रोपाइन, कैसे प्रिपेयर करते हैं ये, या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद फॉर्मल्डिहाइड, जब अमोनिया को फॉर्मल्डिहाइड के साथ हम ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद फॉर्मेल्डिहाइड, ये है अमोनिया आपके पास और ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका, और बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे रीजनिंग वो हमने ऑलमोस्ट जो है इस चैप्टर के कर लिए हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सी रिएक्शन थी यूरोट्रोपाइन की, तो ये रह गई थी तो इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, इसके अलावा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन द एसीटोन इज ट्रीटेड विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, क्या होता है जब एसीटोन को ट्रीट किया जाता है, व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद HI के साथ, तो ये है एसीटोन आपका CH3COCH3, तो रिएक्शन लिखनी होती है जब इस तरह से आपको आए व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो थ्योरी नहीं लिखने बैठना जस्ट रिएक्शन देनी है, तो ये क्या है आपके पास एसीटोन, ठीक है, गिव राइज टू 4 HI, यहाँ पे
एडिशन होगी, एच आई की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और रेड फास्फोरस जो है वो ऐड करना है, इसके साथ कहते क्या रिएक्शन बनेगी। तो आपके पास क्या हो जाता है कि ये जो सी एच थ्री है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, आयोडीन अलग से हो जाती है, तो इस तरह से बनता है प्रोडक्ट। आपके पास प्रोपेन बनाने हैं, अपने प्रोपेन बन जाते हैं सी एच थ्री, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं टू, तो सी एच टू आ जाता है और सी एच थ्री प्लस एच टू ओ प्लस टू आई टू, ठीक है। तो ये बन जाता है आपके पास प्रोपेन। तो इसी तरह से बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री एंड कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर, तो क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि वट हैपन वैन द बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एच एन ओ थ्री, तो वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड लग गया बेंजीन के साथ तो बेंजल्डिहाइड बोन हो गया। एच एन ओ थ्री के साथ कहता है जब हम बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब इसको ट्रीट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर, तो क्या होता है आपके पास कि ये जो है सी एच ओ ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है, और ये एन ओ टू जो है आपके पास नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आ जाता है, तो क्या नाम है इसका, थ्री नाइट्रो, फर्स्ट पोजीशन ये हुई, सेकंड ये हुई, थर्ड ये हुई, तो क्या हो गया यू पैक नेम थ्री नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, थ्री नाइट्रो बेंजल्डिहाइड प्लस एच सी एल, ठीक है। तो ये है कि जब बेंजल्डिहाइड को हम नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनते हैं, नाइट्रो ग्रुप जस्ट अटैच हो जाता है, बाकी जो है एच सी एल जो आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एसिटल्डिहाइड ट्रीटेड विद मिथाइल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एच सी एल, तो क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को ट्रीट किया जाता है मिथाइल एल्कोहल के साथ, वट हैपन वैन एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद बेंजाइल मिथाइल एल्कोहल, तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, सी एच थ्री सी ओ, सी एच थ्री सी एच ओ, ये है आपके पास एसिटल्डिहाइड, इसको कहता है अगर हम मिथाइल एल्कोहल के साथ ट्रीट करें, ये है मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, ये क्या है एच सी एल, इसके साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे ओ सी एच थ्री ओ एच सी एच थ्री, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हेमी एसिटल बनता है, इसको नाम क्या है इसका, हेमी एसिटल, ठीक है, सी एच थ्री सी एच ओ, इसको मिथाइल एल्कोहल के साथ कहते हैं जब एसिटल्डिहाइड को, ये है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड को जब मिथाइल एल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है, फर्स्ट बनता है आपके पास हेमी एसिटल, देन इसमें फिर से मिथाइल एल्कोहल आप ऐड करोगे सी एच थ्री ओ एच, यस जो है वो ऐड करनी है यहाँ पे, तो आपके पास जो है फर्दर क्या आ जाता है यहाँ पे सी ओ सी एच थ्री एक ग्रुप यहाँ पे, दूसरा ओ एस ओ सी एच थ्री ग्रुप यहाँ पे और सी एच थ्री ग्रुप जो है सॉरी सी एच टू जो है वो एज इट इज़ और यहाँ पे आई रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन वहाँ से निकल के यहाँ पे उसकी जगह कौन आ गया, ओ सी एच थ्री आ गया, तो ये बन गया आपके पास एसिटल, ठीक है, तो एसिटल बन गया, ये एसिटल्डिहाइड टू एसिटल भी हो गया, और एसिटल्डी क्या होता है तब, वट हैपन व्हेन एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद मिथाइल एल्कोहल के साथ उसको रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है, तो एच सी एल गैस जो है वो आपने यहाँ पे थोड़ा सा उससे रिएक्ट करवाना, तो फर्स्ट हैमी एसिटल बनते हैं, हैमी एसिटल फिर दोबारा से आप इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं मिथाइल एल्कोहल फिर ऐड करते हैं तो आपके पास एसिटल आ जाता है और दो ग्रुप यहाँ पे ओ सी एच थ्री ओ सी एच थ्री यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो उसको अगर एन ए ओ एच के साथ ट्रीट करें तो क्या होगा, वैन द फॉर्मेल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एन ए ओ एच, वट हैपन वैन फॉर्मेल्डिहाइड, ये है टू सी एच ओ, फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसको अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें, वट हैपन वैन द फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटेड विद एन ए ओ एच, तो कंसनट्रेटेड एन ए ओ एच जो है वो आपने लेना है और ये है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, तो इसमें सोडियम फॉर्मेट जो है वो बनता है एच सी ओ ओ एन ए फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट है, ये क्या है सोडियम फॉर्मेट प्लस साथ में जो है वो आपके पास मिथाइल एल्कोहल वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, इसका नाम क्या है मिथाइल
एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल साथ में जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये थे आपके कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिएक्शंस और कन्वर्जन्स जो इस चैप्टर में हमारी रह गई थी। अब नेक्स्ट जो है वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्टार्ट करेंगे, वो करते हैं हम अगली वीडियो में, कार्बोक्सिलिक एसिड।